हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका चैनल हमारे चैनल देवरियन फैमिली में। फिर से बात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और अब महादेव। और अभी स्टिल हम लोग अभी ट्रेन में हैं, और रात में पता लग गया था, 2:30 बजे नींद खुली थी, तो लगभग 6:30 घंटा ट्रेन लेट चल रही थी, और अभी बढ़ के वो हो गया है 7:30 घंटा। तो जो सुबह पहुंचना था 6 बजे, हम पहुंच रहे हैं 1:30 बजे फ़िलहाल। अभी तक का ये इन्फॉर्मेशन है एज़ पर ऐप। रात में पूरा कुहासा भी इधर ज़्यादा ही है, इसके चलते ही ट्रेन डिले हुए हैं। तभी हम लोग बैठे हुए, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया है, पेट गड़बड़ा गया है, पेटे ख़राब हो गया है। रात भर 4 बार 5वां बार सुबह गए, तो बड़ा कष्टदायक हो गया है। अपना सामान है, कुली तुली करना पड़ेगा, बड़ा गाड़ी करना पड़ेगा। मैडम भी बैठ के आनंद ले रही है सुबह। माथा दर्द नहीं। अभी पहुंच गया है दादरी, ने एक हुआ है अभी 1 घंटा और लगभग। इसका फ़ोन में अजीब सा बीमारी हो गया है, चार्ज में लगाती है और फेंक देता है। कुछ चाँप के चार्ज रहने दो थोड़ा देर, थक गया हुआ है, पता नहीं अपने आप का फेंक दे रहा है, कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। और अब हम लोग जाके फाइनली अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंच अभी पार कर रहे हैं शिवाजी ब्रिज, इसके बाद सीधा आएगा नई दिल्ली। यानी कि 2 बज ही गया, सुबह 6 बजे का ट्रेन, दोपहर 2 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। अब शिवाजी ब्रिज में खाली रुके नहीं, पास ब्रश ब्रूस भी नहीं किए हैं, जाके ब्रश ब्रूस करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद सुबह तो बहुत है फर्स्ट क्लास। सुबह में एड्रेस भेज दिया है, बोला नहीं आ पाएंगे, जुनू भी मना कर दिया, नहीं आ पाएंगे क्या, यही मना किया, नहीं लुली करके सब सामान मान जाएंगे, एड्रेस भेज दिया ओला बुक करके। क्या लग रहा है सुबह में आएगा पक्का? 1000%। हाँ, हमको तो बोला नहीं आएंगे, एक बार भी फोन नहीं किया कि पहुंची कि नहीं पहुंची। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सही है। हमको भी लग रहा है कि वो आएगा, दिस डेट दे दिया कि नहीं आ पाएंगे। तुम्हें मना किया, एक और पूछा नहीं है कि कहाँ पहुंचे हो, आश्चर्य है, सोच रहा है सीधे पहुंच ही जाएंगे। नहीं, देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। ब्लॉग में बनी रही है। आप लोग को क्या लगता है, आएगा कि नहीं आएगा? जब तक ये ब्लॉग आया तब तक आया या नहीं आया पता लग जाएगा। देखिए दिल्ली क्या देखेगा, सड़कें पार कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक, और पहुंचने ही वाले हैं 2 मिनट में, ये देखिए। और ये पहुंच गए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। एकदम सीधे यहीं से उतरिए, सीढ़ी तिरिक नहीं चढ़ना होगा। अच्छा, एक नंबर। तो लेट होने का फायदा हो गया, लेट होने का फायदा हो गया एकदम। इसके बाद सीधे अजमेरी गेट वाला हो गया। ये है हमारा भारतीय रेलवे, जो कि हम लोग को कभी समय पर नहीं पहुंचाती है। हमारा भारतीय रेलवे पर हमें गर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा सोने का मौका देती है, पूरा सोने का मौका, पूरा एक एक पैसा वसूल करके आदमी को इरिटेट करके रख दिया गया है। यही बोले एकदम बाहर ही जाना है, एकदम गेटे के पास उतारा। हम लोग का एकदम पीछे है तो और बेसियत ही है, एकदम गेटे के पास उतारा है तुमको। अरे वाह, अभी भी झटके मार रहा है ट्रेन। और अब कूली देख के आते हैं, तब तक कूली लाते हैं तो फिर रेडी होते हैं। और ये अपना जो है कूली इधर जा रहे हैं, अभी ओला करेंगे। और ये हम पहुंच गए हैं बाहर, और ये आ गए दिल्ली के फिजाओं में। इतना जबरदस्त भीड़ पूरा, अरे अपना तिरंगा लहराता हुआ पूरे तरह झकास। और अभी जो है ये वाला टैक्सी ले लिए हैं, सामान वामान सब लोड हो गया है, बड़ा गाड़ी है ले लिया, तो बढ़िया 800 टका में गप हुआ।
चार लगे जा, एक दो तीन चार, और एक ये है इधर। चलो ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बाय बाय, फिर अब मिलेंगे फरवरी में। और हम लोग अब दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं और अब चले हम लोग उत्तम नगर की ओर। इधर है मेट्रो स्टेशन है। हाँ हाँ, शिखर पान मसाला का बड़का प्रसाद। हम लोग आ गए हैं कैनॉट प्लेस का एरिया है, हमारा पुराना जगह ये कैनॉट प्लेस, बहुत बढ़िया। बाबे दा होटल, यहाँ पे मटन बहुत शानदार मिलता है, यहाँ हम लोग खाने आते हैं, बहुत शानदार। कैनॉट प्लेस सर आइए, यहाँ पे दिखाइए मटन। और ये आ गया पालिका बाजार, दिल्ली का पहला एसी मार्केट यही था, यहीं पे हम पढ़ते थे पहले, यहीं अपना कंप्यूटर सेंटर था, यहीं पढ़ते थे, यहीं पे मेरा कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था। जय हो संकट मोचन, बहुत ही जागृत और पुराना बजरंगबली का मंदिर है, ये देखिए ये वाला, जय हो संकट मोचन। लेकिन यहाँ भी पूजा करने हम लोग। ITC मौर्या फाइव स्टार होटल है और इधर पूरा एकदम ग्रीनरी है चारों तरफ, बहुत बढ़िया है, एकदम मेंटेन है पूरा। रोड के किनारे भी जो है पूरा फूल पेड़ पौधा लगाया गया है। होटल ताज पैलेस है इधर, ये देखिए होटल ताज पैलेस, ये भी फाइव स्टार होटल। हाँ अभी चलो आ गई, 200 मीटर है और हम लोग पहुँच गए उत्तम नगर। अभी शुभम के रूम में चाय बन रहा है, इधर जुनू माई अपना कपड़ा वपड़ा व्यवस्थित कर रही है। ये दूसरा रूम है, एक रूम ये है, इधर लेटरिन बाथरूम है, इधर किचन है, व्यवस्था है भाई। और अभी हम लोग नहाएंगे चाय पी करके, उसके बाद काम होगा। सब देखिए, सब सामान अनपैकिंग हो रहा है, शुभम का इतना सारा सामान आया है। वो क्या, तिलकुट, तिलकुट पेड़ा सेलिब्रेशन, मसाला भी पूरा एक से एक आया है, एकदम घर का पिसा हुआ। बउआ इसको खोलो तो, अनबॉक्सिंग करो, क्या है इसमें। ओह माय गॉड, सो मेनी चॉकलेट्स। ये क्या है, लॉन्ग इलायची, लॉन्ग इलायची, सॉन्ग, इतना पूरा ही जो है खाली खाने का ही है। वो क्या है, मट्ठा गुड़, मोटका चावल, जीरा, सोने की मुद्रा, बहुत तेरी, करोड़ रुपए मिल गए हैं यहाँ, खजाना, खजाना आ गया भाई साहब, खजाना। हमको खाली तो अच्छी जगह रख दो तो, मेट्रो चीज रखेंगे। अच्छा कि अच्छी नो जगह में रखिए, तो अच्छी नो जगह में जो है भाई, बार बार ही कहाँ से कहाँ डिब्बा चला गया, फेंका उसको, क्या हुआ, ये अच्छी नो में रखा रहा है ऊपर में। नहा धो के तैयार और भोजन भी फटाफट बन गया जी, हाँ देवघरिया भोजन, एकदम पोस्ता दाना और चावल और घी और जीरा बरका के। कौन कौन खाया है जरूर बताइएगा, घी और जीरा को कड़का के जला के, और कैसा लगता है ये कमेंट में बताइएगा। रेडी कर ली है, गरम गरम भात, और ये देखिए भाई एकदम दाना तैयार है, घी भी जरा है क्या, नमक दे दो सबको बेटा, हाँ घी कटोरी में तो। उधर भी देखिए भाई साहब, और ये आए हैं ये गरम गरम चावल, आपको जरा देना है अब चावल। और ये देखिए भाई एकदम घी जीरा अंबर का के डाल दिया गया है, एक नंबर है, चलिए पहले खाया जाए, भूख अल्टीमेट लगा है। और ये देखिए शुभम ने चाय बना दिया है, और ये जुनू माई चाय पी रही है और कैंडी क्रश खेलते हुए, लाइए ले ये गरम लग रहा है इसको, ला ला, ओह वाह। तो चाय का मजा लीजिए, शुभम के द्वारा बनाया गया, चीयर्स। मस्त एकदम सोए हम लोग, एक दो घंटा बच रहा है अभी, शाम का 8, रात का 8, 8 बजे सो के उठे हम लोग। दिल्ली में ठंडा जोरदार बढ़ा दिया भाई साहब, जोरदार बढ़ा दिया है।
ये देखिए एकदम हाफ पे पेंट में घूमता है, बहुत ठंडा है, रू पूरा कपड़ा पहन के घूम रहा है आर्यन। इधर ब्लोअर भी चल रहा है और एसी भी ठंडा में चला दिया है सुबह में, एक ही स्विच से दोनों चीज़ चलता है, लेकिन अभी ऑफ है, यही एक स्विच है, इससे ब्लोअर भी और इसे एसी भी, एक कमाल है भाई साहब इंजीनियरिंग का। वो हमको नहीं ना पता है, निकालिएगा फिर। और अभी जो है हम लोग खाना बाहर से मंगवाए हैं आज, और आया है स्विगी से खाना जी, आप बारबेक्यू नेशन से, तभी हम लोग खाने के लिए तैयारी में जा रहे हैं और खाते हैं जल्दी जल्दी, भूख लग गया, अभी बज गया है 9:30। ठंडा भीषण है एकदम, कुहासा बाहर में दिल्ली में छाया हुआ है, और अगले अभी 4-5 दिन बोल रहा है हैवी कुहासा, और 1 तारीख को बारिश भी है, ठंड यहाँ पे अभी एक्सट्रीम लेवल होने वाला है। और देखिए ये क्या सुंदर पैकिंग है, और शुभम अनबॉक्सिंग, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए शुरू करते हैं ना शुभम। और ये देखिए बारबेक्यू नेशन इन अ बॉक्स, देखते हैं क्या क्या आइटम आया है, अनबॉक्सिंग चल रहा है। ओह माय गॉड, इतना सारा कूपन है, इतना सारा किस, क्या कूपन दिया रे, 120 ऑफ, ये इतना सारा कूपन भी दिया है, 200 रुपया ऑफ मिलेगा, इतना सारा सुंदर एकदम पैकिंग है पूरा, और इतना सारा आइटम है देखिए, एकदम दाल मखनी है, चिकन ये है, बटर चिकन है, दाल मखनी है, बिरयानी है, जो सैलेड है, ये मटन, ये है प्रॉन, ये खुलता रहे आगे प्रॉन, और इधर चटनी, उधर पराठा, इतना सारा आइटम है, और ये है मटन। आइए इसका पहले आनंद लिया जाए, जो है मस्त एकदम खाना वाना खा लिए, मज़ा आ गया एकदम, मन तृप्ति हो गया, मैं कि इसमें मूंग का हलवा भी था, उसके बाद गुलाब जामुन था, उसके बाद फिर क्या था एक तो उसको बोलते हैं मफिन था, तो पूरा मस्त, मैं कि 1100 रुपया में हम लोग 4 आदमी भरपेट भोजन कर लिए, तो मज़ा आ गया भाई साहब। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तब तक के लिए हर महादेव।